हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मोबाइल फ़ोन हो गया है, और मोबाइल फ़ोन में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो यदि क्या होगा यदि हमारा मोबाइल गुम हो जाता है, तो हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स भी चले जाते हैं। तो फिर आदमी सोचता है कि अब मैं कैसे क्या करूँ, मेरे कॉन्टैक्ट्स कैसे वापस आएँ। तो दोस्तों, आज इसके लिए मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स को कैसे सेफ रख सकते हैं यदि आपका फ़ोन गुम हो जाता है तो भी। तो इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाके अभी आपके पास जो मोबाइल है उसमें आप अकाउंट्स में जाना। अकाउंट्स में जाके आपके पास यदि जीमेल अकाउंट है अपना, तो गूगल में अपना वो ऐड कर देना। यहाँ पे ऐड करने के बाद दोस्तों, जैसे मैंने ऐड कर रखा है सब कुछ, यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट्स भी सेव हैं, सब कुछ सेव है यहाँ पे। तो दोस्तों अब कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ से बैक आके अपने कॉन्टैक्ट्स पे जाना। आपको कॉन्टैक्ट्स पे जाके आपको क्या करना है आप देखते जाना, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाई स्टेप बताता दूंगा। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो इसको लाइक कर देना दोस्तों, और मेरे चैनल पे जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे फ्रेंड्स ने, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे आपके लिए बहुत ही मस्त वीडियो लेके आने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप यहाँ पे जाओगे तो थ्री डॉट दिखेंगे, यहाँ पे जाना, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स हैं उस पे ले जाना आप उसको। यदि आपके मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट हैं और आप उनको जीमेल आईडी पे डालना चाहते हैं, तो आप करना फर्स्ट वाला इम्पोर्ट फ्रॉम स्टोरेज। यदि आपकी सिम में है और सिम से आप डालना चाहते हैं, तो आपको करना होगा ये सिम एंड कार्ड वाला, ये वाला फर्स्ट वाला। तो दोस्तों जैसे मैं अपनी इम्पोर्ट फ्रॉम सिम वन से ओके करता हूँ, तो ये जैसे मेरे नीचे यहाँ पे जो आईडी दिख रही है ये जीमेल आईडी है मेरी। तो इसको मैं ओके करते ही जैसे मेरे यहाँ पे सिम के अंदर सिर्फ इतने ही कॉन्टैक्ट्स हैं और बाकी मेरे डिवाइस में ही हैं सब कुछ हैं जो। तो मैं अब यहाँ से जिस जिसको करना चाहता हूँ, जैसे मैं सभी को करना चाहता हूँ सिलेक्ट, मैंने सभी को कर दिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे जो नीचे इम्पोर्ट है, जो इम्पोर्ट है इसको इम्पोर्ट कर देना यहाँ से अपने आप। देखो दोस्तों इम्पोर्ट हो गए हैं, ये बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। अब यदि आपका मोबाइल कभी गुम हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो दूसरे आप फ़ोन लोगे, मोबाइल लोगे, उसके अंदर आपको जैसे ही अपनी ईमेल आईडी जिसके ऊपर आपने सेव कर रखे कॉन्टैक्ट वो डालोगे, तो वो डालते ही आपका सब कुछ डाटा है, जो कॉन्टैक्ट है सब कुछ वो उसके अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मेरे को बताना आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, और दोस्तों मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस किसी टॉपिक के ऊपर चाहिए तो मेरे को बता दो, मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बना के दूंगा ताकि आपको पूरी नॉलेज हो उसके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।